हेलो फ्रेंड्स, हाय, आप सब कैसे हैं? माय नेम इज़ निया। जैसे कि मेरा स्टेनोग्राफी का ही चैनल है, इस पर मैं आपको स्टेनोग्राफी सिखा रही हूँ। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और आप इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको फेसोग्राफी की फेसेस पढ़ाई थी और ग्रामर लॉग भी आपको लर्निंग के लिए दिए थे, प्रैक्टिस के लिए दिए थे। आई होप आपने इसकी प्रैक्टिस करी होगी। तो अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, लेट्स सी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये 21 है एंड इसको हमें ट्रांसक्राइब करना है इन शॉर्ट हैंड। तो आप देख रहे हैं इसको हमने कैसे लिखा हुआ है, इसके अंदर शॉर्ट हैंड कैसे लिखा है, अब इसको हमें इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करना है। तो देखिए, हम इसके साथ साथ आंसर भी देखते हुए चलते हैं। चलिए आइए, देखिए हमारा फर्स्ट पॉइंट है जिसके अंदर हमारी वर्ड और मैंने शॉर्ट हैंड दोनों लिखी हुई है, आई मे बी। अब आप देखिए आई मे बी कैसे बना हुआ है, ठीक है। आई मे बी विद यू ऑन मंडे द 4th of May। तो देखिए अब विद यू मंडे द 4th of May इकट्ठा एक साथ है। देखिए जहाँ जहाँ डैश लग गया है ना, तो उनको इकट्ठा लिखना है हमें। जैसे कि अब आप शॉर्ट हैंड देखिए, शॉर्ट हैंड में इसमें एक साथ लिखा हुआ था आई मे बी विद यू ऑन मंडे द 4th of May। तो ये हमें पहचानना है, इसकी हमें पहचान करनी कि कहाँ पर जॉइंट हमारे फ्रेजेस लगे हुए हैं और कैसे हमें उसको जब इंग्लिश में लिखना है तो कैसे उसको मतलब लिखते वक्त, जैसे कि हम ऑफ मई है तो बीच में डैश लगा है, विद यू है मतलब ये एक साथ है तो उसके बीच में डैश लगा, तो हमें उसका ध्यान रखना है, अपनी नॉलेज में रखनी है वो चीज़। नेक्स्ट है हमारा, इफ़ यू विल बी रेडी व्हेन आई कम आई शैल बी हैप्पी टू टेक द राइड विद यू टू द शो। तो देखिए कैसे लिखा है, इफ़ यू विल बी रेडी When I, देखिए when I एक साथ नहीं था इसलिए वो अलग अलग लिखा हुआ है। When I come, I shall be happy to take the ride with you to the show। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड पॉइंट, I think you will enjoy the ride and you may take a fair share of the gain। अब आप पढ़िए, I think you will ऐसे बना हुआ है enjoy, enjoy the साथ में तो दा का देखो टिक लगा हुआ है, राइड फिर हमारे कोमा है एंड यू मे टेक अ फेयर शेयर ऑफ द गेम, यहाँ पर हमारा फुल स्टॉप लग गया। फिर नेक्स्ट है हमारा, हाउ डू यू लाइक द, ये सारा एक साथ है, न्यू बुक। तो देखिए हाउ डू यू लाइक द न्यू बुक, कितना छोटा हो जाता है जब हम इसको साथ में लिखते हैं और इसके हम फ्रेजेस लिखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आई थिंक यू वर राइट टू कम अवे व्हेन यू वर फीलिंग वियरी। देखिए कैसे लिखा है, आई थिंक यू वर राइट टू कम अवे व्हेन यू वर फीलिंग वियरी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, आई हैव हैड ए टॉक विद वेब एंड ड्यूक हु वर बोथ एट द पार्टी ऑन मंडे। आई हैव हैड अ टॉक विद वेब एंड ड्यूक हु वर बोथ एट द पार्टी ऑन मंडे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, आई सॉ बूथ टूडे एंड ही विल बी विद अस एट द शो, ठीक है। क्या बोल रहा है, आई सॉ बूथ टूडे And he will be with us at the show. Next हमारा, if you should know anybody who can, एक साथ है हमारा ये, who can I share the work of the opera with us, I shall be happy to know. फिर आता है हमारा, if you should know anybody who can share the work of the opera with us, I shall be happy to know. तो आप देख रहे हैं ना कि शॉर्ट हैंड कैसे बनी है, उसकी इंग्लिश कैसे लिखी हुई है, आपको उसका लिख लिख के प्रैक्टिस करना है एक एक वर्ड का, ठीक है। तो आपको उसको ध्यान देना है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने उस पर नेक्स्ट पॉइंट पे, देखिएगा हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए 9th वाला है, आई शैल ए न्यू कैमरा Which I should like to show you when I see you. देखिए कैसे लिखा है, I have a new camera which I should like to show you
व्हेन आई सी यू. ठीक है, अब आते हैं मेरे नेक्स्ट उस पॉइंट पे. आई शैल बी हैप्पी टू सी यू टुमारो इफ़ यू कैन कम. देखिए, देखने में थोड़ी टफ लग रही होगी, बट ये टफ नहीं है स्टेनोग्राफी. आप इसकी प्रैक्टिस करोगे. जैसे मैं आपको टिक्स बता, जो मैं आपको एक ट्रिप बता रही हूँ कि कैसा, जैसे मैं आपको देखो ट्रिक्स बता रही हूँ ना, उसके अकॉर्डिंगली आपको करना है. ये ज़्यादा टफ नहीं है स्टेनोग्राफी. जैसे जैसे मैं आपको बताती चलती हूँ, बस आप वैसे वैसे उसकी प्रैक्टिस करते चलिएगा साथ के साथ. अब इसके शॉर्ट हैंड हम पढ़ते हैं. आई शैल बी हैप्पी टू सी यू टुमारो इफ़ यू कैन कम. तो आप देख रहे हैं इसकी शॉर्ट हैंड कैसे लिखी है. तो देखिए, इसमें मोस्टली आपने देखा होगा इस चैप्टर में हमारा फ्रेसोग्राफी बहुत यूज़ हुआ है और ग्रामरलॉग बहुत यूज़ हुआ है. तो गाइज, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि साथ के साथ आप फ्रेसोग्राफी और ग्रामरलॉग की प्रैक्टिस करते चलिए, तो ही आपको स्टेनोग्राफी अच्छे से आएगी. तो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही. मिलता अपने नेक्स्ट वीडियो में. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें. और हाँ, मेरी डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग लिंक भी मिलता है, तो प्लीज़ उसको फॉलो करें और मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो करें. तो थैंक यू गाइज, गुड बाय. Thank you.